सुप्रभात विद्यार्थियों, हमने आ की मात्रा को मिलाकर शब्द बनाए थे पहले। अब इसके बाद में बने हुए जो शब्द हैं हम उनको बोलकर पढ़ेंगे। छाता छाता, बाला बाला, राजा राजा, नाम नाम, कार कार, चाचा चाचा, भाला भाला, ताजा ताजा, महान महान, अनार अनार, मकान मकान, काजल काजल, सलाद सलाद, गमला गमला, तबला तबला, सदमा सदमा, राघव राघव, दरबार दरबार, आमरण आमरण, आसमान आसमान। बेटा, अब हमने शब्द पढ़ लिए। इन शब्दों को पीछे हम हमारी नोटबुक में कुछ वर्ग शब्दों का वो करेंगे। चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरे करिए। अब हम ब्लैक बोर्ड पे, ये हमारे बुक में हो रहा है, यहाँ तक आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाते हैं। बेटा एक बार ब्लैक बोर्ड पे देखिए, आपकी नोटबुक में आपको ये वाला वर्क करना है बेटा, ये वाला चित्र बनाइए, ये वाला वर्क आपको नोटबुक में करना है अगर, और आपको इसको बुक में भी करना है, दोनों में आपको करना है। चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। पारस चला खड़ी पाई। अब बेटा ये वाक्य है वो पूरा नहीं है, आपको ये वाला चित्र देखना है और इस चित्र को देखकर इसको पहचान कर यहाँ पे वो वाला शब्द लिखना है जो ये चित्र है आपको दिख रहा है। किसका चित्र दिख रहा है? बस का, रेलगाड़ी का, कार का। कार का दिख रहा है आपको, ये कार है, तो फिर हमें यहाँ लिखना है पारस कार चला खड़ी पाई। तो हमारे लिए किसका निकलती हो गई और ये वाक्य पूरा हो गया। अब आप देख लें ये कौन यहाँ वाक्य पूरा करेंगे के लिए रिक्त स्थान दिया हुआ है। इसके लिए पहले हम इस फल की पहचान करेंगे, ये कौन सा फल है? आम का है? नहीं। एप्पल का है बेटा? नहीं। अनार का है? तो हाँ ये अनार है। वेरी गुड, ये अनार है। तो हमने ये देखो ना,
कदम उठाना है यहाँ से, तो बना म मल। यहाँ पे एक बार आखिरी मंत्र का प्रयोग करना है, पीछे जो अक्षर है उसमें भी आखिरी मंत्र का प्रयोग करना है। माला, माला बन गया शब्द। एक बार आखिरी मंत्र का प्रयोग, दो बार दोनों अक्षरों पे आखिरी मंत्र का प्रयोग बेटा करना है आपको, और ये अपनी बुक में वर्क कर रहा है।